सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग बज रहे थे 7:30 और आज दोस्तों सुबह से ही बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी तो हमें इंतज़ार था कि कब बारिश होगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग हैं किसान और किसानों के लिए टाइम पर अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो अच्छा रहता है। बाजरा हमारा सूख रहा था तो उसी के लिए से हम सोच रहे थे बारिश हो जाए, तो फाइनली आज बारिश हो गई। तो दोस्तों, एक तरफ बारिश हो रही थी और नीरज जी आज यहाँ पे आज बनाने वाली हैं रायता, क्योंकि दोस्तों बच्चों की फरमाइश थी, यानी कि बड़ी बेटी है हमारी, वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है रायता, तो देसी तरीके से आज नीरज जी रायता बनाएंगी। दोस्तों, वैसे तो देसी तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों पंजाब में नीरज जी इस तरह से बनाती थी, तो पंजाब तरीका से बनाएंगी, क्योंकि दोस्तों गाँव में तो मट्ठे का रायता बनता है लेकिन नीरज जी पंजाब में अपनी दही का रायता बना देती हैं, उसी को यहाँ पर फेंट रही हैं, तो फेंट कर उसके बाद यहाँ पर रायता बनाएंगी। और एक तरफ यहाँ पे हमारा रायते का तैयारी कर रही थी नीरज जी और दूसरी तरफ यहाँ पे चना उबलने रख दिए थे, क्योंकि दोस्तों आज चने की सब्ज़ी नीरज जी बनाने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारे चना भी नहीं बने थे और सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी, तो नीरज जी ने कहा चलो ठीक है आज चना ही बना लेते हैं। तो एक तरफ चना उबल गए थे और एक तरफ यहाँ पर रायता बना रही थी, तो नमक और मिर्च डालकर यहाँ पर दही को रख दिया है। और क्योंकि दोस्तों सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं क्योंकि स्कूल के लिए बच्चे सब तैयार होते हैं और मैं भी काम पर जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, ये कर लो वो कर लो, तो बहुत काम रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तड़का लगाएंगी, लेकिन इधर बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो नीरज जी बोल रही थी कि जाओ तब तक मैं तड़का लगा रही हूँ, तब तक तुम जाओ कड़ी पत्ता ले आओ, क्योंकि कड़ी पत्ता के बिना रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, कड़ी जो पत्ता है वो उसका स्वाद हमें केरल जब हम गए थे, इनकी छोटी बहन यानी कि वहाँ रहती थी तो हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर हमें ये स्वाद चढ़ा था। तो कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है, रायते को बनाओ चाहे कड़ी को सही किसी को में ही आप तड़का लगाओ बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं लेने जा रहा था लेकिन दोस्तों बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसी वजह से मैंने छाता ले लिया, क्योंकि दोस्तों मुझे अगर मैं भीग जाता हूँ तो सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं जल्दी में गौशाला में पहुँच गया, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कड़ी पत्ता है यहीं पर है, यहीं पर पेड़ लगा दिया है नीरज जी ने, ये लेकर आई थी अपनी बहन के यहाँ से, तो वो लगा दिया था, पहले छोटा था लेकिन अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है और बारिश की वजह से अब अच्छा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे दो डूंगी यहाँ पे सूत ली कड़ी के पत्ते की और नीरज जी को ला के दिया, तो नीरज जी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा सूत लाई, इतने कड़ी पत्ते की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो पत्ते काफ़ी होते हैं, इतने क्या करोगे। तो कोई बात नहीं, मैंने कि मुझे पता नहीं था तो मैं ले आया। तो नीरज जी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लगाएंगी तड़का जो हमारी चने की सब्जी है उसको, तो पहले इसको अच्छी तरह से नीरज जी ने गिलास से थोड़ा बारीक कर लिया है, क्योंकि दोस्तों बोल रही थी कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो तरी होती है वो गाढ़ी हो जाती है, तो इसी वजह से इस तरह से नीरज जी तड़का लगाती हैं। अब मुझे नहीं पता लेकिन बोलती हैं कि तड़ी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो एक तरफ यहाँ पर हमारे तड़का लगा दिया नीरज जी ने और दूसरी तरफ जो रायते का तड़का है वो लगाना है। तो रायते का तड़का लगाने के लिए नीरज जी ने मिर्ची ली है और जीरा लगा दिया और साथ में ले लिया कड़ी पत्ता, बस इससे ही बहुत अच्छा बन जाता है। तो अभी हमारा मस्त वाला तड़का लगने वाला है, तेल वगैरह सब कुछ गर्म हो गया, सब कुछ कड़ी पत्ता गर्म हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमारा देसी वाला तड़का लग गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ये देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। जब महक बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी महक आ रही थी। दोस्तों सारी चीज़ तैयारी हो चुकी थी, सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी, रायता भी बन के तैयार हो गया था और इधर नीरज जी यहाँ पे रोटियाँ बनाने में लगी थी और हम स्कूल की तैयारी में लगे थे बच्चों के लिए। यहाँ पे पिंकस अभी अपने लिए सब्जी रख रही है क्योंकि दोस्तों नीरज जी तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो ना तो बच्चों के लिए खाना रख पाती हैं और ना ही तैयार कर पाती हैं। तो बड़ी बेटी तो तैयार हो जाती है लेकिन जो छोटी बेटी है उसको ही तैयार करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो पिंकस हमारी यानी बड़ी बेटी हमारी तैयार कर देती है। तो जशनप्रीत को बाल बनाने रह गए थे और उधर सारा खाना वगैरह बना के रख दिया था थोड़ा थोड़ा, यानी कि बच्चों के लिए बना के रख दिया था, बाकी खाना रहता है वो बाद में बनाती हैं, पहले हमारे लिए भेजती हैं, यानी कि बच्चों के लिए स्कूल के लिए और मुझे काम पे भेजती हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम चले जाते हैं तो आराम से अपने काम धंधा करती रहती हैं। तो अभी छोटी बेटी को तैयार कर रही हैं जल्दी जल्दी, बड़ी बेटी तो तैयार हो गई थी, उधर मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था क्योंकि दोस्तों इधर बारिश आ गई थी, बारिश में निकलना था, हल्की हल्की थोड़ी बारिश कम गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अगर बारिश फिर से आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर आप देख सकते हो अभी निकल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अगर तेज़ हो जाती तो दिक्कत हो जाती, तो इसी वजह से हम जल्दी जल्दी निकल गए।
दोस्तों, अभी ये जो स्कूल जाने वाले हैं वो स्कूल चले गए हैं बच्चे, और मेरे जो पति हैं वो अपने काम पर चले गए हैं। तो घर में शांति हो गई, अब मैं और लड्डू अकेला रह गया है घर पर। तो अभी मैंने खाना बनाना है, जो घर का काम धंधा है, नहाना धोना है, सारा करूँगी मैं काम। तो अभी जो बाद का ब्लॉग है वो मैं ही शूट करूँगी, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम तो चले गए थे अपने काम पर, बच्चे स्कूल चले गए थे, नीरज जी यहाँ पे फिर से अपने चावल वगैरह बनाने थे, क्योंकि दोस्तों रोटियाँ उतनी नहीं हो पाती थी, थोड़ी सी रोटियाँ बना ली थी। तो नीरज जी ने सोचा कि थोड़े से चावल बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रायता और चने की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं चावल। तो वही साफ करके नीरज जी ने यहाँ पर रखे थे, चावल बनाएंगी, थोड़ी सी रोटी और रहेंगी तो बनाने को वो भी बनाना था। तो अभी यहाँ पर नीरज जी बनाएंगी चावल, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों चावल यहाँ पे आप देख लो, नीरज जी अभी चावल को साफ़ कर रही हैं, चावल को साफ़ कर करके कुकर में बन चढ़ा देंगी और एक तरफ थोड़ी बहुत रोटी वगैरह सेक लेंगी। तो यहाँ पे कुकर में चावल को बनने रख दिया है, अब बस चावल बनते रहेंगे, उधर थोड़ी बहुत रोटी नीरज जी सेक लेंगी। तो चावल बनने रख दिए और दो चार रोटी सेक ली, लगभग 6-7 रोटी सेक ली, बस इतनी हो जाएंगी, क्योंकि चावल के सामने बस रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो जल्दी जल्दी रोटी बना के उसके बाद अपने घर के काम और भी करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं पूरे दिन। वैसे तो काम में लगी रहती है लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, आदमी तो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी खाना वगैरह सब बन चुका है और अब बारी आती है बर्तन वगैरह धोने की। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर भी आराम नहीं मिलेगा दोस्तों, फिर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और उधर गायों को पानी पिलाना है और बहुत सारे काम होते हैं। तो बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी धोकर नीरज जी ने यहाँ पर रख दिए। तो सारे काम दोस्तों हो चुके थे, अब बारी आती है लड्डू गोपाल की पूजा करने की। तो नीरज जी ने लड्डू गोपाल के लिए पानी वगैरह पिलाया, सुबह दूध वगैरह तो पिला दिया था और माथा वगैरह टेक कर फिर उसके बाद खाना खाने बैठ गई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब लगभग 10 बज चुके थे, लगभग 10-10:30 बज चुके थे, अब जाकर कहीं खाने मिलेगा। तो यहाँ पे चावल और आलू मटर, वो चना की सब्जी और सब चीज़ आराम से बैठकर खा रही थी। हम तो थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी खा के चले गए नीरज जी को, लेकिन आराम से खाने को मिलता है, ये फ़ायदा होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, राधे राधे।